हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चरम रोग से जुड़ी हुई कुछ बातें। जी हाँ दोस्तों, चरम रोग एक ऐसा रोग है जो वैसे तो मामूली होता है, लेकिन अगर इसका आपने वक्त रहते इलाज नहीं किया तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी बन जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको है तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और इसका पूरा पूरा जल्द से जल्द इलाज कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में उनको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सपोज बाई चांस आपको चरम रोग हो चुका है तो आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका चरम रोग जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे अपने आज के वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले फायदेमंद वीडियोस आपको यही मिलती रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं बात ये बोलूंगा कि जिनको भी अगर किसी भी तरह का चरम रोग हो चुका है तो उन्हें बिल्कुल भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, चैनी खैनी, चाय, कॉफी, भांग, गांजा, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। जितने भी नशीले पदार्थ हैं दोस्तों, इनका सेवन तो बिल्कुल भी भूल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे ये सब चीजें खाते हैं पीते हैं तो अगर आपको चरम रोग हो चुका है तो इससे और भी ज्यादा फैल जाता है वो। दूसरी चीज ये है कि दोस्तों आपको अपनी बॉडी की साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना है, और अगर आप रोटी खाते हैं तो कभी भी बाजरे की और ज्वार की रोटी बिल्कुल ना खाएं, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको चर्म रोग है तो आपको समय पर यानी टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है और रोजाना बिल्कुल अच्छे से नहाना है। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे खास बात यह है कि आपको कभी भी धूप में डायरेक्ट नहीं बैठना, जैसे कि कई लोग बैठते हैं धूप में। लेकिन अगर सर्दी का मौसम है और आप चाहते हैं थोड़ी धूप सेकना तो सुबह सुबह का जो वक्त होता है 9-10 बजे से पहले की जो धूप होती है वो आप धूप सेक सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट धूप होती है 10 बजे के बाद की, वो उस धूप में कभी भी नहीं जाना है आपको और ना बैठना है। वो आपके चर्म रोग के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सूर्य होता है इसमें से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज, जो आपकी स्किन और चर्म रोग के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दोस्तों जिनको भी चर्म रोग है उनको अपने खाने में यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में ना तो अचार इस्तेमाल करना है, ना नींबू, ना नमक, ना मिर्च, ना टमाटर, ना तली हुई चीजें जैसे चाट टिक्की वगैरह, इन सभी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है और इनसे आपको बच के रहना है। और खास करके जो खट्टी चीजें होती हैं उनको तो बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो लोग खट्टी चीजें खाते हैं उनका चर्म रोग इससे बहुत तेजी से फैलता है। अगली बात दोस्तों ये है कि जिन लोगों को भी चर्म रोग होता है उनको अपने डाइजेशन पर खास ध्यान देना चाहिए, यानी कि अगर उनके पेट में गैस है, कब्ज है, ऐसी जो भी समस्या है उस पर एकदम तुरंत गौर दें, उसका इलाज करें, उसको बिल्कुल भी अपने साथ ना रखें। क्योंकि दोस्तों अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये आपके चर्म रोग को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। जब आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका जो चर्म रोग है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके आसपास किसी को भी चर्म रोग है तो आपको मैं यही कहूंगा कि उसको रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में हल्दी का सेवन करने को कहें। जी हाँ, इससे होता क्या है, जो हल्दी होती है उसमें होते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो उसकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे रोजाना रात को सोते वक्त तो धीरे धीरे वो उनकी शक्ति भी देगा और उनकी जो स्किन की बीमारियां हैं उनको दूर करेगा। तो दोस्तों आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जो चर्म रोग है उसमें आपको बहुत फायदा होगा, और अगर चर्म रोग हो गया है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह फायदेमंद वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों। It's high.